गाइस किसो आप लोग आए हम सब अच्छे हो। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग जाने वाले कि तुम ऐसे सिचुएशन में मींस बंदा लेफ्ट आ रहा राइट आ रहा ऊपर आ रहा नीचे से आ रहा तुम उसको हेडशॉट कैसे मार सकती हो। मींस ऐसा क्या सेंसिटिविटी सेटिंग यूज करना चाहिए जिससे बंदा कोई भी पोजीशन में हो आपका एम किधर भी हो इधर हो इधर हो इधर ये अच्छा मतलब किधर भी हो तुम्हारा एम एकदम इजीली तुम उसको हेडशॉट मार पाओ। तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आज के वीडियो में मैं बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग बताने वाला हूँ तुम्हारे डिवाइस के अकॉर्डिंग, और सेंसिटिविटी के साथ एक दो इम्पोर्टेंट सेटिंग भी बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हेडशॉट मारने के लिए और तुम्हारे गेम प्ले को बूस्ट करने के लिए। तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस हम लोग जाने कि तुम्हें कौन सा सेंसिटिविटी यूज करना चाहिए तुम्हारे डिवाइस के अकॉर्डिंग, मींस तुम्हारे डिवाइस के अकॉर्डिंग कौन सा सेंसिटिविटी बेस्ट होगा तुम्हारे लिए। उससे पहले तुम्हें मैं अपना सेंसिटिविटी दिखा देता हूँ क्योंकि तुम्हें से बहुत सारे बंदे लोग कमेंट करते हैं कि भाई तू खुद का सेंसिटिविटी बताता नहीं है। तो मैं ये सेंसिटिविटी यूज करता हूँ। अभी मैं यही सेंसिटिविटी में खेलूंगा। हाँ खेलो बट हेडशॉट नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरा सेंसिटिविटी है। तो क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि ये मेरा सेंसिटिविटी है ना। ए चुप्पे। तो हाँ गाइस अगर तुम मेरा सेंसिटिविटी यूज करते हो तो तुम्हारे हेडशॉट नहीं लगेंगे क्योंकि ये तुम्हारे डिवाइस के अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी नहीं है। मैं तुम्हारे डिवाइस के अकॉर्डिंग आगे सेंसिटिविटी बताऊंगा बट अगर तुम सोच रहे हो कि मेरा सेंसिटिविटी यूज करने से तुम्हारे हेडशॉट लगने लगेंगे तो ये कभी नहीं होता। तुम किसी भी यूट्यूबर का देखते हो कि भाई ये इतना सेंसिटिविटी यूज करता है, कोई कोई तो भाई कुछ सेंसिटिविटी यूज नहीं करते फिर भी वो एकदम रैड नंबर हेडशॉट मारते। क्या मतलब कि वो पीसी में खेलते हैं? ये कैन डू जनरेशन है। तो हाँ ऐसा कभी नहीं होता कि तुम किसी का सेंसिटिविटी कॉपी कर लो और तुम्हारे हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाए। तुम्हें अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले लो एंड डिवाइस से स्टार्ट करते हैं। लो एंड डिवाइस में स्पेशली 2GB या 3GB या 4GB रैम ऑयल। 2GB में तो अभी बहुत ही ज्यादा मुश्किल से गेम चलता है बट 3GB और 4GB रैम ऑयल बहुत ज्यादा कॉमन है, अभी भी बहुत ज्यादा यूज होता है और बहुत अच्छा गेम चलता भी उसके अंदर क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त लोग उसके अंदर गेम खेलते हैं और उन लोग बहुत अच्छा खेल पाते हैं। बस आपको एक सही सेंसिटिविटी की जरूरत है जो कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ। 2GB में भी यूज कर सकते हो, 3GB में भी यूज कर सकते हो और 4GB में भी यूज कर सकते हो। वो ये सेंसिटिविटी। ये सेंसिटिविटी में तुम्हें हर एक चीज हाई लग रहा होगा तो हाई करके ही रखना क्योंकि ये डिवाइस में ऑलरेडी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा कम होता है। मैं तुम्हें इसमें एक चीज सजेस्ट कर सकता हूँ, अगर तुम लो डिवाइस में खेल रहे हो ना तो ये जो रेड डॉट है रेड डॉट का एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है बहुत ज्यादा हाई होता है। अगर तुम 2 स्कोप 4 स्कोप से कंपेयर करोगे रेड डॉट के स्कोप की सेंसिटिविटी मीन्स एक्यूरेसी तो ज्यादा हाई होती है रेड डॉट स्कोप की। तो इसका सेंसिटिविटी थोड़ा सा मैंने हाई करके रखा इसलिए मैं बोलूंगा तुम्हें इसको हाई करके रखना। 2 स्कोप को थोड़ा सा कम कर सकते हो और 4 स्कोप को और भी ज्यादा कम कर सकते हो क्योंकि 4 स्कोप का एक्यूरेसी सबसे ज्यादा कम हो जाता है सबसे ज्यादा। अगर किसी का सबसे ज्यादा कम होता है एक्यूरेसी तो वो है 4 स्कोप का। तो 4 स्कोप को थोड़ा सा कम करके रखना। और बात करो AW स्कोप की तो AW स्कोप को तुम इतना यूज कर सकते हो, हाँ थोड़ा सा हाई यूज करके रखना है। और एक बोनस ट्रिक मैं तुम्हें बता रहा हूँ जिसको तुम यूज कर सकते हो अपने सेटिंग में, वो है ये कि कस्टम चुड़ी में जाओ ड्रैग बटन को नीचे रखो। मेरे जितने भी दोस्त है जो लो एंड डिवाइस में खेलते हैं 3GB 4GB या 2GB रैम वाले में तो मैंने सबको बोला है ड्रैग वाले बटन को नीचे करके रखो। उनका कस्टम चुड़ी भी कुछ ऐसा ही है जिसमें ड्रैग वाले बटन नीचे है और उनके बहुत प्यारे हेडशॉट लगते हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके बहुत प्यारे प्यारे हेडशॉट लगते हैं, बिल्कुल भी गोली रिकॉयल नहीं मारता क्योंकि इस मोबाइल में सेंसिटिविटी ऑलरेडी कम होता है। तो समझ रहे हो ना अगर तुम जोर से भी ड्रैग करोगे तो गोली ज्यादा रिकॉयल नहीं मारता, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला, थोड़ा बहुत कर दे वो बहुत रेयरली होगा। और उसी के साथ तुम्हारा ड्रैग वाला बटन नीचे होता है तो तुम्हारे हेडशॉट भी बहुत प्यारे लगते हैं। अभी बात करते हैं मिड एंड डिवाइस के बारे में। मिड एंड मतलब 6GB रैम मोबाइल। 6GB रैम मोबाइल में बहुत सारे बंदे खेलते हैं। जब फ्री फायर थोड़ा सा कम GB का था तब ठीक था, ये हाई डिवाइस में आ सकता था बट अभी नहीं है, ये भी अभी मिड एंड डिवाइस में। फ्री फायर मैक्स में तो ये मिड एंड डिवाइस में ही है। तो इस डिवाइस में तुम इस सेंसिटिविटी पे खेल सकते हो। मैं इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने वाली कुछ बात नहीं है क्योंकि इसमें सेंसिटिविटी हाई होता है बट इतना भी ज्यादा हाई नहीं होता कि तुम इधर जनरल सेंसिटिविटी को पूरा ही कम कर दो 100 कर दो, इतना भी नहीं करना, थोड़ा सा हाई करके रखो इतना रख सकते हो। और बात करो कस्टम चुड़ी में कुछ चेंजेस करना चाहिए ड्रैग वाले बटन के साथ, तो हाँ कर सकते, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, नहीं करना चाहते तो नहीं करोगे तो भी चलेगा क्योंकि 6GB रैम मोबाइल ज्यादातर बड़े स्क्रीन वाले होते हैं। अगर बड़ा स्क्रीन है तुम्हारे मोबाइल का तो इतना कुछ जरूरी नहीं कि नीचे करके रखो क्योंकि तुम्हें अगर ऊपर भी रखते हो तो तुम्हें अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है ड्रैग करने के लिए। बट अगर तुम्हें लगता है कि मैं ऊपर रख रहा हूँ बट मेरे हेडशॉट नहीं लग रहे मुझे नीचे रखना चाहिए तो रख के एक बार ट्राई करके देखो। गाइस अब भी बात करते हैं अगर हाई डिवाइस में खेलते हो 8GB रैम 12GB 16GB कौन से भी डिवाइस में तुम खेलते हो तो तुम्हें कौन सा सेंसिटिविटी यूज करना चाहिए, तुम ये सेंसिटिविटी की तरफ जा सकते हो। और एंड्रॉइड में तुम्हें ये सेंसिटिविटी ही यूज करना चाहिए। एंड्रॉइड का हाई डिवाइस भी आईफोन के कंपैरिजन में बहुत अलग है। ठीक है मैं दोनों में खेलता हूं तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। एंड्रॉइड में थोड़ा सा सेंसिटिविटी
ज्यादा करके रखो। अगर तुम आईफोन में हाई डिवाइस में खेलते हो, इवन आईफोन में तुम 4GB रैम में भी खेलते हो और इधर तुम 12GB रैम में भी खेलते हो, तो दोनों का कोई टक्कर नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं बोलूंगा कि इसका अगर तुम हाई डिवाइस में खेलते हो, एंड्रॉइड में खेलते हो, तो तुम ये सेंसिटिविटी की तब जा सकते हो। अगर आईफोन में खेलते हो तो मैं तुम्हें बोलूंगा ये सेंसिटिविटी की तब जा सकते हो। अगर तुम ऐसे कोई बंदा आईफोन में खेलता है तो ये सेंसिटिविटी यूज कर सकते हो, और नॉर्मल अगर तुम एंड्रॉइड यूजर हो और हाई डिवाइस में खेलते हो तो तुम ये सेंसिटिविटी की तरफ जा सकते हो। और कैपेसिटी में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करना। हाँ, मैं करता हूँ, ड्रैग वाले बटन को नीचे कर देता हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल का स्क्रीन थोड़ा सा छोटा है, तो मैंने नीचे करके रखा है। अगर तुम चाहते हो तो तुम भी कर सकते हो, हाई डिवाइस में खेलते हुए भी तुम्हारा मोबाइल का स्क्रीन बड़ा है तो भी तुम नीचे कर सकते हो, क्योंकि मूवमेंट करने के लिए अच्छा खासा जगह भी मिल जाता है और साथ में नीचे करने से हेडशॉट भी अच्छे लगते हैं। तो वैसे ये थे कुछ सेंसिटिविटी जिससे तुम हेडशॉट तो मार ही पाओगे, उसी के साथ मूवमेंट भी बहुत अच्छा कर पाओगे। तो चलो गाइस, आज की वीडियो में आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस।